अधूरापन था, तो हमेशा वो ड्राइव करता था अंदर में कि हाँ कि करना है करना है, लेकिन पता नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे जाना है। अभी रिसेंटली मैंने इसी साल मैंने वेट कैटेगरी चेंज किया, उसके बाद फिर और थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि नया वेट है, ओपोनेंट नहीं है, मुझे नहीं पता जाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दूंगी, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे कॉम्पिटिशन हो। तो मैंने इतना जितना एफर्ट था मैंने अपना लगा दिया इसमें, और डेफिनेटली मैं अभी क्वालिफाई हो गई हूँ, तो वो एक रिलीफ था उस टाइम पे। अगर जो हुआ वो ना हुआ होता, 2020 में भी आपसे उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन रहेंगी, उससे आपको डर लगता है, प्रेशर लगता है? नहीं, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगता। पहले प्रेशर लेना नहीं आता था, डेफिनेटली जब लोग बोलते थे कि आप लेके आओगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि हाँ कि एक्चुअल में मैं कर सकती हूँ, और उसी के लिए मैं प्रयास करूँगी, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और होपफुली मैं अपना पूरा मैच खेल के आऊँ, क्योंकि रियो में काफ़ी कुछ छूट गया था, मैच भी नहीं हुआ था मेरा, तो मैं चाहूँगी कि रिजल्ट्स कुछ भी हो लेकिन मैं 6 मिनट तक मैच खेलूँ। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं आगे बढ़ूँगी, जीत जाती हूँ वो डेफिनेटली फिर भी आगे बढ़ना है, लेकिन वो मन में वो सवाल हैं वो सब फिनिश हो जाएंगे। सर, आपने वेट कैटेगरी चेंज करने की बात करी, 2 बार आपने वेट कैटेगरी अपनी चेंज कर ली, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हुए? मैं नुकसान तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस साल मैंने चेंज किया है, बैक टू बैक हर एक कॉम्पिटिशन में मैंने मेडल लिया है, तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही हुआ कहीं ना कहीं। शायद मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा कि मुझे इंजरी से बचने का चांस मिलेगा ज़्यादा, और वेट कम करना पड़ेगा, और ओपोनेंट पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस मेरा रहेगा। देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, अभी कोच ने मुझे रेस्ट दिया है, तो अभी उनका क्या प्लान होगा उसके प्लान के अकॉर्डिंग मैं खेलूँगी। अभी कोई भी मैं आपको क्ल्यू नहीं दे सकती कि मैं लूँगी या नहीं, कोच का जो प्लान होगा मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन है, तो वो प्लान बनाएंगे, और जो अगर उनका प्लान में होगा कि ये खेल सकते हैं तो मैं खेलूँगी, अदरवाइज मैं नहीं खेलूँगी। आपको लगता नहीं है कि इंजरी का जो डर है वो रहेगा, क्योंकि ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा? वही मैं बोल रही हूँ आपको कि ये मैंने बोला नहीं कि मैं खेलूँगी, इधर मैं आई हूँ रेसलिंग के लिए, रेसलिंग के लिए कहीं भी लोग अगर बुलाएंगे तो वो हम बिल्कुल ट्राई करते हैं कि लोग आगे आए रेसलिंग में, बिल्कुल हम चले जाएंगे 10 साल के बाद या कितने साल के बाद रेसलिंग छोड़ दो, कोई पीछे से हमारा संभालने वाला रेसलिंग को हो, तो उसी के लिए मतलब हम यहाँ आए हैं। तो अभी खेलूंगी या नहीं खेलूंगी या क्या होगा वो प्लान मुझे नेक्स्ट कुछ भी नहीं पता है। ड्राफ्ट जो होंगे कुश्ती लीग के, उसके लिए आप लोग ने ओपन, आप लोग ओपन है, नाम नहीं है आपने, मतलब जो ऑप्शन कुछ सोचा है जब ऑप्शन होगा तो उसमें कुछ सोचा है कि जो ऑप्शन होंगे? अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा, अभी मेरा रेस्ट चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं बोल सकती मैं इस बारे में, अगर मेरा रेस्ट चल रहा है तो कोच से एक बार बात होने के बाद में देखते हैं कि उनका प्लान क्या रहा, कोच वो सजेस्ट बैठ के हम बात करेंगे, कोच जो बोलेंगे कि हाँ कि क्या है या क्या नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी नहीं चलता, कोच जो बोलते हैं वही मुझे करना पड़ता है। ओलंपिक में कोई एक ऐसी खिलाड़ी ओपोजिशन में जिसके आप जिसके अगेंस्ट आप खेलना चाहते हो कि हाँ इससे मेरा मैच होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, 53 में तो मुझे सभी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और जापान तो डेफिनेटली पावर हाउस है, तो उनको बीट करना मतलब उन्हीं की कंट्री में, तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, और उसी के लिए हम अपना ट्राई करेंगे कि टोक्यो में खेल रहे होंगे। हाँ, वही मैं उन्हीं की कंट्री में वो खेल रहे हैं और पावर हाउस हैं वो रेसलिंग के, तो हम चाहेंगे कि हम उनको बीट करके ही गोल्ड लेके आएँ।